लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में राहुल राज रस्तोगी प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी ने पत्रकारों को बताया कि एक देश एक चुनाव के संबंध में आगामी 29 नवंबर 2018 को पंचायती राज विभाग में युवा संसद का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा विधायक एवं अधिकारियों को खुले मंच पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। युवा सांसद में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को आदरणीय युवाओं को जैसे खिलाड़ी, संगीतकार, शिक्षक, अधिवक्ताओं, लेखकों, समाजसेवी एवं शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया। राहुल रस्तोगी ने बताया कि युवा संसद बुलाने का मुख्य उद्देश्य भारत की जनता को समय समय पर अव्यवस्थित चुनाव से बचाकर चुनाव में होने वाले खर्च से देश को बचाकर 5 सालों के लिए स्थायी सरकार के द्वारा भारत को विकास के बड़े रास्तों पर आकर्षित करने का है। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रीय महामंत्री, भाजपा प्रभारी युवा मोर्चा अवर क्षेत्र दिनेश तिवारी, प्रदेश सह संयोजक मनीष पांडे, शुभम अवस्थी उपस्थित थे। अपना परिचय देते हुए बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करा रहे हैं आज? मैं राहुल राज रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश, और इसमें युवाओं की प्रतिभा और युवाओं की क्षमता और ऐसे युवा जो समाज में राजनीतिक रुचि बहुत ज्यादा नहीं रखते, सिर्फ वोट देने का काम करते हैं, लेकिन वो काफ़ी प्रतिभावान है विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा एक मंच पे ला करके आगामी 29 नवंबर को लखनऊ में एक सभागार में करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसको बताइए जरा कि क्या उद्देश्य है, 29 तारीख को क्या करने वाले हैं आप? जैसे कि आज हम जमाने से देखते आए हैं कि एक चुनाव भारत में एक चुनाव होता नहीं, दूसरा चुनाव सामने आ जाता है। आधा हमारा जो एक क्षमता है हमारे युवाओं की, हमारे देश की या हमारे देश की उन्नति की, वो कहीं ना कहीं चुनाव पे निर्भर हो जाते हैं। तो इसी को उस पर 29 तारीख को होनी है। तो जो 29 तारीख को आपका कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें कितने युवा भाग लेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के सभी 92 संगठनात्मक जिलों में हर एक जिले से 50 युवाओं को चयनित किया जा रहा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला टीम के द्वारा ऐसे युवाओं को से संवाद किया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान हो, ऊर्जावान हो, जैसे कि अच्छे संगीतकार, कवि और कुशल क्रिकेटर हैं और कुशल वक्ता हैं, और ऐसे समाजसेवी युवा हैं जो समाज सेवा का काम तो करते हैं लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा नहीं रखते। क्या इसके अंदर बड़े नेता भी कोई आने वाले हैं? हाँ, इसमें जनप्रतिनिधि जो युवा हैं, कम आयु के जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, चेयरमैन हैं या फिर MLA हैं, युवा हैं जो बिल्कुल 40 की उम्र के अंदर। MLA में फिर भी कौन? आप देखिए, अभी तो हमारी सूची बन रही है, ऐसी युवाओं को चयनित करेंगे, और अगर वो दूसरी पार्टी के भी हैं तो उनको भी इसमें खुला जो है वो हम उनको इस कार्यक्रम में मंच देना चाहेंगे कि वहाँ पे आकर के वो सीधे संवाद करें और अपना विषय इस विषय पे रखें। एक मैं विकास सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र का हूँ। आज जो बैठक यहाँ पर हुई अवध क्षेत्रीय कार्यालय निराला नगर में, ये विषय था युवा संवाद कार्यक्रम, यूथ पार्लियामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 29 को पंचायती राज भवन पुरनिया पर, जिसमें हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर और भारत के विकास पर बात करेंगे। उस दिन हमने 40 साल से कम उम्र के जनप्रतिनिधियों को, स्पोर्ट्स आइकन को, अपने अवध क्षेत्र मीडिया प्रभारी भाजपा। तो जिस तरह से आप लोग सांसद लगाने की बात कह रहे हैं, तो कितने युवाओं की भागीदारी होगी? मैं सर्वप्रथम तो युवा मोर्चा को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ ये युवा संसद का आयोजन किया है। इसमें 40 साल से कम के जो भी युवा हमारे विधायक, हमारी पार्टी के अन्य विधायक हैं, अन्य पार्टियों के भी जो विधायक हैं, जो लोग, सबके लिए खुला मंच है कि वो लोग आकर के उनकी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है इसके लिए, और इतिहास गवा रहा है कि जब जब देश में परिवर्तन हुआ है युवाओं की उसमें भागीदारी रही है। सबसे बड़ी क्रांति जो है युवाओं के द्वारा हमेशा आई है, और हमारी पार्टी में, हमारी युवा मोर्चा हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी में, और युवा मोर्चा जिस तरह से काम कर रहा है आज, उससे निश्चित है कि 2019 में हम
भारी सफलता जो है भारतीय जनता पार्टी को हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा दिलाएगी। इसी के साथ मैं एक बार पुनः इन सबको बहुत आभार देता हूं, बहुत इन सबकी पीठ थपाता हूं कि उन्होंने इस तरह के एक बड़े आयोजन को रखा है जिसके द्वारा पूरे देश में एक माहौल बनेगा वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में, जिसमें हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जो बार बार तमाम पैसा चुनाव में खर्च होता है उन सबसे बचा जा सकता है और जनता बार बार चुनाव में जो जाती है उससे बचा जा सकता है और जो चुनाव के चक्कर में तमाम से छुट्टियां तमाम से कार्यक्रम तमाम से सरकारी योजनाएं पीछे हो जाती हैं वो सब जब वन नेशन वन इलेक्शन की एक बारी आएगी तो वो सब इन सबसे बचा जा सकता है। देश हमारा जो प्रगति कर रहा है आज वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो उनके इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो युवा मोर्चा की सोच है इसमें कहीं